हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जोर सरांग। आज का वीडियो आप लोगों को मेरा जिम का टाइम को दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा है। तो अभी हम घर में हैं, यहाँ से अभी हम निकलेगा जिम के लिए। तो आप लोगों को हम अभी यहाँ में टाइम को नहीं दिखाएगा, आपको हम डायरेक्ट जिम में जाके जिम का घड़ी में ही आपको टाइम को दिखाएगा। तो चलिए उधर मिलता है डायरेक्ट जिम में। रास्ता में थोड़ा सा आपको रास्ता का दिखाएगा, उसके बाद डायरेक्ट जिम का टाइम को दिखाएगा। तो चलिए वहाँ मिलते हैं। तो अभी हम मेरा स्कूटर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको रास्ता भी थोड़ा दिखा देगा। मेरा गाड़ी, हम मॉर्निंग गाड़ी से नहीं जाता है, कार से जाने से हमको फ्रेश नहीं लगता है। स्कूटर में जाने से क्या होता है, हमको फ्रेश एयर मिलता है, जिससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए हम स्कूटर से ही जाता है। चलिए निकलते हैं। या बात कर देगा, हो गया पार्क। ये देखिए मेरा स्कूटर, स्कूटर उतना क्लियर नहीं। चलिए वीडियो ऑफ नहीं करेगा। हम अभी पहुंच गया है, ये देखिए मेरा जिम का नाम उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ये देखिए अंदर ही दिखा देते हैं। चलिए अभी हम पहुंच चुका है, अभी स्टेप के अंदर जाएगा। इधर भी अंधेरा ही अंधेरा है। तो कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर जा रहा है। हम जिम के अंदर पहुंच चुका है, अब लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। इधर है जिम, अंदर अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। हम पहुंच चुका है जिम, जैसा कि हमको जो जानता है वो लोग पता है कि हम कितना बजे जिम पहुंचता है। तो यहाँ से थोड़ा बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है, मॉर्निंग मेरा जिम से बाहर। ये देखिए मॉर्निंग का व्यू। तो आपको अभी हम टाइम दिखा देगा, कहाँ है मेरा स्विच ऑन कर लेगा। सबसे पहले तो आपको टाइम दिखाने के लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा लाइट को, लाइट का। स्विच ऑन, इधर भी इधर भी, और ये सब स्विच ऑन हो गया है। और हम पहुंच गया है जिम का अंदर, पहले से जिम का अंदर ही था। तो ये देखिए टाइम चेक 5, ये मेरा डेली रूटीन है। हम 5 से ही टाइम को मेंटेन करता है, 5 से 7 का मेरा टाइम है डेली रूटीन। और ये हम, अगर भरोसा नहीं था तो ये हम हैं जोर सोरांग। हम मानता है कि वर्कआउट को अगर आप लोग सही टाइम में करेगा तो आपका वो बॉडी फॉर्म अच्छा रहता है, ये मेरा मानना है। मेरा जितना दिन से वर्कआउट कर रहा है उसका, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अपना टाइम को मॉर्निंग हो या इवनिंग हो एक टाइम फिक्स कीजिए। हम जैसे मॉर्निंग में करना वर्क अच्छा लगता है, तो किसी को इवनिंग में अच्छा लगता है, तो वो इवनिंग का भी जैसे 4-5 या 5-7, 6-8 जो भी मेंटेन करता है वो टाइम को फिक्स करने से ठीक है। तो उसमें हमारा जैसे बॉडी का फॉर्म वो समय में बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपना टाइम को मेंटेन कीजिए और डेली वर्कआउट कीजिए, जिससे आपका बॉडी का जो ग्रो है और आपका जो फॉर्म है वो हमेशा रहेगा। गैप हो जाने से कुछ अलग बात है, कभी कुछ काम का वजह से, लेकिन फिर जब फ्री टाइम हो गया तो वर्कआउट को फिर कंटिन्यू कीजिए। आप लोग डेली वर्कआउट ऐसे ही करते रहिए, जिससे आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा रहेगा, आपका फिजिकली मेंटली सब में अच्छा रहता है। वर्कआउट करना सिर्फ आपका
फिजिकली आप फिट नहीं होता है, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि हम खुद इसको फील किया है और ये मेरा खुद का लाइफ में प्रैक्टिकल है, ये चीज़ें सुन के नहीं बता रहा है इसको, जो हम फील किया है, जो मेरा लाइफ में अब एक्सपीरियंस हुआ है इतना साल का वर्कआउट में, तो उसको आपको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है इसको। तो हम जिम दिखा देगा, जिम हम लोग जिम कैसा है, तो ये देखिए जिम, जो जो आना चाहता है या विजिट करना चाहता है और ये जिम में करना चाहता है तो कर सकता है, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मेरा थ्रू से ये जिम में जाने से आप लोग, हम कोशिश करेगा जो यहाँ का भाई है जो थोड़ा आपको वो करा देगा, डिस्काउंट कराने की कोशिश करेगा, तो आने वाले दिन में अगर आप आता है तो इधर ही मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम है वर्कआउट को लेके कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकता है, जितना हमसे बनता है हम बताएगा आपको। आज के लिए इतना ही, आपको मेरा मॉर्निंग का टाइम को दिखाना था आज का ही वीडियो से, तो हम वर्कआउट करेगा, वर्कआउट को तो आप लोग नहीं दिखाएगा क्योंकि हम वर्कआउट वीडियो डेली दिखाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।